का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द सेट्स। देखिए भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमें क्लियर करना होगा। कौन कौन से पॉइंट हैं देखो भाई, ए यूनियन बी, ये एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम यहाँ से समझेंगे, एक हमारे पास कोई यूनियन सेट है यू, उसमें कोई एलिमेंट सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये पूछा है ए यूनियन बी ये टर्म है भाई, ये जो शेड कर रखी है ये क्या है, ए यूनियन बी। अब इसमें एलिमेंट मान लिया 1, 5, 3, इसमें है 6, इसमें 9 और 8, ये 5 है। तो नंबर ऑफ, यहाँ से देखो ए यूनियन बी में कौन कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, यहाँ है 1, 2, 3, यानी कि 3 प्लस ये क्या है 6 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, नेक्स्ट में कितना है 1, 2 एलिमेंट्स है, टोटल कितने आए 6। जो 3 है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है भाई, 3 + 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी में कितने हैं, बी में क्या है 2 + 1 3, और ये 1 एलिमेंट है जो 6 है, नंबर ऑफ ए में भी काउंट हो गया, 2 times काउंट हुआ, एक 1 time यहाँ पर काउंट हो गया, 1 time यहाँ पर काउंट हुआ, कितनी बार काउंट हो गया 2 बार, तो 2 बार काउंट हुआ तो हमें 1 time सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 time क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हमने सिंपली ग्राफ देख के इसको सोल्व किया था, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका सम है, ये है 4 + 3 - 1, 4 + 3 - 1 यानी कि 7 - 1 6, और सीधा भी कितना आ रहा था हमारे पास 6 आ रहा था, कितना आ रहा था 6। देखिए ये जो 3 है ना 6 है वो 2 time काउंट हुआ, एक बार नंबर ऑफ ए एंड एक बार कब यूज हो रहा है नंबर ऑफ बी। तो देखिए जब एक केस ये है ए इंटरसेक्शन बी 5 है, किसके इक्वल है 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 कब है, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कौन से सेट हैं डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स का मतलब क्या है, दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है, ये यूनियन है, नंबर ऑफ ये ए है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 हैं, तो सेट ए सेट बी, तो ए यूनियन बी में क्या देगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यहाँ पर क्या है माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 0 है, नंबर लिख दिया तो 0 आएगा, संख्या लिखी जाएगी। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कहाँ से आया, यहाँ से आया भाई, इस संख्या को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर, तो ये इधर जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इधर जाके ये संख्या क्या हो जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी माइनस। देखिए थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है,
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीन टर्म्स का यूनियन है तो सम ऑफ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड टू माइनस इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी। देखिए फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, ओनली इसको बोलते हैं या ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये कोई यूनियन सेट है और ए सेट, ये सेट ए है ये सेट बी है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ये दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब ओनली बी पूछा है, ओनली बी वाला रीजन कौन सा भी? जहाँ ये डॉट लगा रखे, ओनली ए, ओनली ए जहाँ ये डॉट लगा रखे हैं। तो ए में से कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट होगी? ए में से वो टर्म सब्ट्रैक्ट होगी जो बी में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट बी में प्रेजेंट कौन सी है? जो ए और बी दोनों में कॉमन है। या दूसरे वे में हम क्या कह सकते हैं, इसमें से वो टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है। सिमिलरली नेक्स्ट ओनली इन बी, उसमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखता है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार से है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू 17, नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में है 38। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंट्स की संख्या काउंट करनी है। देखिए भाई यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन इक्वल बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो भैया हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की जगह क्या है हमारे पास? एक्स, बी की जगह क्या है? वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, इन वाई प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन एक्स यूनियन वाई। अब देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 17, 23, इसकी माइनस क्या है? 38। दोनों का सम कितना आ गया? 40 माइनस 38, यानी कि जो दोनों में कॉमन टर्म्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है x इंटरसेक्शन y में? कितने हैं? 12। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में लिखता है इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने हैं? 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है? 15। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल है? नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y। ये कितना भाई? x में कितने एलिमेंट हैं? 8 हैं। y में कितने भाई? 15। इन दोनों के यूनियन में कितने हैं? 18। दोनों का सम कितना आ गया भाई? यहाँ पर हमारे पास सम आया है 23 माइनस 18, कितना है भाई? 5। तो x इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में लिखता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, कितने पीपल्स हैं? 400।
अब देखिए भाई, यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट है, 400 ये यूनियन में भी हो सकते हैं और 400 ए यूनियन बी में भी हो सकते हैं। ये क्या है, 400 हैं वो किस में हो सकते हैं, यूनिवर्सल में भी हो सकते हैं, ए यूनियन बी में भी हो सकते हैं। इस बात का पता हमें इसकी लैंग्वेज से पता चलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो लेट पर्सन हु स्पीक्स हिंदी कैन बी डिनोटेड बाई एक्स। और दूसरा क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश वाले किससे मांग लिए, वाई से। तो नंबर ऑफ एक्स कितना है, 250। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 250। एंड 200 कितने क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो वाई की कितनी है, 200। नेक्स्ट में क्या लिखता है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ कोई टर्म मेंशन नहीं है कि ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है, जहाँ मेंशन नहीं है वहाँ हम यूनियन ट्रीट करते हैं। देखो भाई, यूनियन पूछा क्या गया है, ए एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों का इंटरसेक्शन पूछा गया है। कहता है इतने व्यक्ति कितने हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो निकालिए भाई क्या फार्मूला है, ए नंबर ऑफ ए प्लस एक्स है तो एक्स लिखेंगे, नंबर ऑफ वाई माइनस कितना गया, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। देखो भाई, नंबर ऑफ एक्स कितना है, 250, ये कितना है, 200, और ये कितना है, 400। ये कितना गया, 450 माइनस 400, ये आ गया 50, कितना आ गया, 50। इसको हम इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से। इसमें कितने कैंडिडेट हैं, इसमें है सेट ए में ये बी, या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई। इसमें कितने हैं, टोटल 250। इसमें कितने हैं, इसमें है 200। दोनों के यूनियन में कितने हैं, टोटल इन दोनों का यूनियन कितना भाई, 400। तो ये जो 50 हैं वो एक्स्ट्रा है, इन दोनों का सम कितना है, 450। 50 क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है, दो बार काउंट होगी, ये जो 50 है वो कितनी बार काउंट हुए हैं, 2 times। तो जो 2 times क्यों काउंट हुए हैं, क्योंकि ये हिंदी भी बोलना जानते हैं और इंग्लिश भी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 में लिखता है, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एस कितना है, 21, नंबर ऑफ टी इक्वल टू 32 एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11। तो कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, एस यूनियन टी इसमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कितने है भाई। देखो भाई, फॉर्मूला यूज करो, एस यूनियन टी, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी। इसकी वैल्यू कितनी भाई, नंबर ऑफ एस 21, इसकी है 32, इसकी कितनी भाई, 11। दोनों का ये 21 में से 10 गया, कितना बच गया, नहीं 11 गया, 10 10 प्लस 32, यहाँ पर टोटल कितना गया, 42। ये हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।